मैं संदीप दत्ता हूँ, एसडीएम इलेक्शन हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का। हमारे इसमें दो प्रोग्राम था, एक तो था इलेक्ट्रोनल लिटरेसी क्लब या चुनाव पाठशाला जो है उसके बारे में, हमारे जो भी कंसर्न जैसे ना पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया पर्सन, एनजीओ और हमारे जो ईआरओ उनके साथ इस बारे में एक डिस्कशन था, इंटरेक्शन था। इन एडिशन टू दैट जो पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज जैसे विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड या फिजिकली इम्पेयर्ड, इनके साथ और कैसे इनको हमारे जो इलेक्ट्रल प्रोसेस में नॉर्मल हमारे पर्सन के साथ कैसे एक साथ आना जाए, एट पर आना जाए, लाया जाए, उस बारे में एक डिस्कशन था। इसमें जो सारे लोगों ने अपने अपने सुझाव दिया और अपने सजेशन दिया, ये हमें बहुत अच्छा लगा। इंटरेक्टिव सजेशन, सच में इंटरेक्टिव सेशन था। सर काफी लोग यहाँ पर थे, उन्होंने अपना सजेशन दिया, क्या सब सजेशन निकाल के रखे आप, जो क्या लगता है जो आगे और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? नहीं, जैसे हमने पहले भी माना था ना कि हमारे जो हियरिंग इम्पेयर्ड और जो विजुअली इम्पेयर्ड भी मान लीजिए, उसमें हमारे उतना ज्यादा मतलब डेवलपमेंट या कंट्रीब्यूशन नहीं था जितना होना चाहिए उनके लिए। मतलब अगर आप अपने आप को अगर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन सोचे या हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन सोचे तो उसमें आपके पास इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं गया जितना जाना चाहिए था, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप को मोस्टली सब कुछ ही पता है, उसको सिर्फ मूवमेंट का प्रॉब्लम होता है। तो वहाँ पे हमने उनको व्हील चेयर के लिए ये दिया, परमिशन दिया है, व्हील चेयर से वो वोटर सेंटर तक जा सकते हैं। लेकिन इनको ले आना एक मुश्किल है, वो उसमें हमें वो एक बैरियर है, चैलेंज। सर वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहता है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या सब कुछ स्टेप? इसके लिए हमारे एक इलेक्शन कमीशन का एक डिलीवर है स्वीप, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड एनरोलमेंट प्रोग्राम है, उसके अंडर में हमने कोशिश करते हैं अवेयरनेस बढ़ाने की, वोटर के पास तक जाने की, कि आप वोट दीजिए। आप अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते कम से कम नोटा में भी वोट दीजिए, लेकिन अपना राइट एक्सरसाइज करिए। तो पिछले जैसे 2013 से लेकर 2015 में कुछ परसेंटेज बढ़ी है, सर ये हमारे अचीवमेंट है। सर वर्णमाला के थ्रू आपने बताया, क्या सब उसमें खास है लोगों के लिए सर शॉर्ट में? मतलब ये कि थोड़ा सा उनको तो क्यूरियोसिटी जगाना है कि इलेक्शन है क्या। तो नॉर्मली क्या है, हम वर्णमाला जानते ही है कि ये है, तो उसी के अंदर से ही हम उनका अगर बताएंगे तो हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट जगह, अच्छा इसमें क्या है, अच्छा इसमें ये है, धन नहीं देना है, अच्छा इसमें वो नहीं करना है। तो वो अगर वो अंदर कुछ हम कहते हैं कि हमने इतना वर्णमाला पूरा पढ़ा दिया, अगर दो तीन वर्णमाला उनको याद रह जाए तो हमारे एक अचीवमेंट है कि हाँ कुछ उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ा है।